इंस्टेंट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 5 टेबल स्पून शक्कर, शीरा बनाने के लिए थोड़े से टूटी फ्रूटी, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़े से बादाम, खोपरे को मैंने खुरप के लिया है, थोड़ा सा खोपरे का बुरादा, 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। मैं यहाँ पर एक पैन ली हूँ, पैन को मैंने फुल फ्लेम पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें डालूँगी मैं 1 गिलास पानी, पानी अच्छा पकने के बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे। अभी पानी पक रहा है, मैं इसमें डालूंगी 5 टेबल स्पून शुगर और थोड़ा सा कलर, कलर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं डाल भी सकते हैं। इसको हम मिलाते हुए पकाएंगे। शक्कर घुलने तक इसको पकाना है, 2 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। अभी शक्कर घुल गई है, अब थोड़ा सा एक आधे मिनट के लिए पका लूँगी। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। अभी ये शीरा बन के रेडी हो गया है, मैं स्टोव को ऑफ कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर लिया है 6 टेबल स्पून मिल्क, दूध को गर्म करके पूरा ठंडा करके लिया है। मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध लिया है, इसको मैंने पहले ही से पकने के लिए रखा था। दूध में अच्छे से 2-3 उबाल आने तक पकाना है। मैं डालूँगी ये जो घोल मैंने मिक्स किया है, कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर का जो घोल है, मैं इस दूध में डाल दूंगी। घोल को मैंने अच्छे से मिक्स किया है, थोड़ा भी लंप नहीं है। इसको हिलाते हुए हम पका लेंगे। 1 टेबल स्पून शक्कर डाल रही हूँ दूध में, 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसको हिलाते हुए ही पकाना है, घोल भी हिलाते हुए ही डालना है, शक्कर भी हिलाते हुए ही डालना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। अब ये पक के रेडी है, मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका रही हूँ। अब ये गाढ़ा हो गया है, अब स्टोव ऑफ करते हैं। अभी मैं स्टोव को ऑफ कर लूँगी, अब चलते हैं केक बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है एक टिफ़िन बॉक्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है, आप घी भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रखूँगी रस्क, ये रस्क आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। हम इसको जमा लेंगे। अब हम इसमें शीरा डालेंगे। अभी इसमें मैंने शीरा डाल दिया है, अभी जो घोल मैंने बनाया है वो डालूंगी। अभी अच्छी सी मोटी सी लेयर इसके ऊपर डाल दी हूँ। इसके ऊपर अभी थोड़ा सा खोपरा डालूंगी, जो मैंने खुरप कर रखा था, खोपरे का बुरादा।
अभी इसके ऊपर फिर से मैं एक लेयर जमा लूँगी टोस्ट की। अभी मैं इसके ऊपर एक लेयर जमा लूँगी रस की। अब फिर से हम इसके ऊपर शीरा डालेंगे। फिर से मैं यहाँ पर कस्टर्ड का घोल डालूंगी। सारा घोल मैंने डाल दिया है इसमें। अभी इसके ऊपर डालूंगी मैं ड्राई फ्रूट। मैं डाल रही हूँ इस पर थोड़ा सा खोपरा, खोपे का बुरादा, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं डाल भी सकते हैं इसमें, ये ऑप्शनल है आपके लिए। थोड़े से बादाम डाल रही हूँ, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, अभी ये हमारा केक बन के रेडी है। अब हम इसको 2 घंटे फ्रिज में रखेंगे, फिर सेट होने के बाद हम इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है, आप 15 से 20 मिनट के अंदर ये केक बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।